अगर आप इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या इवन इंटरनेशनल फ्रीलांस क्लाइंट्स टारगेट कर रहे हो इन बोथ केसेस आपकी इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है पर सवाल ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करें? इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी टेक्निक्स और सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिनको यूज करके मैंने खुद अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपनी है कि अगर आप इस को ध्यान से तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा ये ट्रेनिंग से न्याय मीटअप से है जहाँ पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी अबाउट लाइफ करियर एंड सैलरी और ये मॉड्यूल उनमें से एक है सो विदाउटिंग एनी फर्द तो लेट्स स्टार्ट विद मॉडल नंबर वन हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश बट आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ क्विक रियलिटी चेक दैट यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज बिग ऑफ अ प्रॉब्लम एज यू थिंक मुझे बहुत लोगों का कॉमेंट आता है कि हमारे को ना इंग्लिश नहीं आती इसलिए हमें काम नहीं मिलता ये अब बस अब अपने आप को झूठ बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है आई नो सो मेनी डिजाइनर्स हु आर मेकिंग अ लॉर्ड ऑफ मनी दे टॉक इन हिंदी

तुम एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर को भेज दो ना क्रिकेट खेलने मैं जिस चीज़ में अच्छा हूं मैं वहां जीतूंगा जरूरी थोड़ी ना है कि तुम मेरी इंग्लिश को जबरदस्ती एक बाहर के अब्रॉड के इंग्लिश से कंपेयर करो बिकॉज आई एम गुड एट वट आई एम डूइंग एंड फॉर मी बींग सुप्रीमली फ्लूंट विद इंग्लिश इज नॉट अ नेसेसिटी इट्स अ गुड टू हैव सिमिलरली इन ना प्रोफेशन अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू बट होता क्या है दैट स्पीकिंग वेल इन इंग्लिश आप तब भी नो कर सकते हो बट यू नीड टू नो हाउ टू राइट वेल इन इंग्लिश बिकॉज राइटिंग वेल इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल एंड इफ यू के नॉट राइट वेल इन इंग्लिश तब सही में आपकी ऑपरचुनिटीज रुक सकती है मतलब कि अगर आप वर्बली फ्लुएंट ना हो काम चल जाएगा का बट अगर आपकी रिटन इंग्लिश क्लियर नहीं है और क्रिस्प नहीं है और टू द पॉइंट नहीं है इट विल ऑलवेज होल्ड यू बैक तो होता क्या है दैट बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग वेल एवरीबडी शुड फर्स्ट प्रैक्टिस राइटिंग वेल मुझे कितने ई आते हैं ऑफ स्टूडेंट से कि ये हमारा पोर्टफोलियो है हमारे को जॉब चाहिए मेरा ये है मेरा वो है अफकोर्स दे आर यूजिंग राइट ग्रामर बट दी इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ देयर मैसेज इज सो बैड कि मैं वो मैसेज देख के ही उनका पोर्टफोलियो रिजेक्ट कर देता हूँ मैं लिंक पर क्लिक भी नहीं करता आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट स्लैक कंपनी का नाम सुना आपने स्लैक इट्स अ टूल जहाँ पे कंपनीज कम्युनिकेट करती है विद ईच अदर स्लैक का एक इंटरव्यू राउंड होता है जहाँ पे दे ओनली टेक्स्ट टू यू योर इंटायर इंटरव्यू इज ऑन स्लैक एंड यू हैव टू टैक्स टू इच अदर बिकॉज दे चेक अगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मैसेज में समझाना हो तो आप उसमें कितने अच्छे हो क्योंकि हो सकता है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को वर्वली समझा पा रहे हो बट अगर आपको उसको मैसेज करना हो या ई मेल की फॉर्म में लिखना हो तो आप नहीं कर पा रहे दैट सर्वस टू प्रूव इन फैक्ट रिमोट वर्क जब शुरू हुआ था यूर टेक्सटिंग एबिलिटीज वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि फोन पर तो बहुत कम बातें हो रही थी तो आई रेगुलरली दैट पीपल आर नॉट गुड राइटर्स एंड बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग वेल द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट राइटिंग वेल नो आई यूजली रेकमेंड एवरी वन टू इन्वेस्ट इन अ ग्रामर चेक प्लग इन तो आई पर्सनली यूज ग्रामरली प्रो एंड दिस इज नॉट लाइक अ स्पॉन्सर्ड थिंग एंड आई यूज ग्रामरली प्रो का फ्री वर्जन फॉर टू थ्री इयर्स मेरा पूरा कॉलेज लाइफ मैंने फ्री वर्जन ऑफ ग्रामरली यूज कराए तो फ्री वर्जन में भी ग्रामली काफी कुछ कर देता है बाई द वे लाइक इट्स क्रेजी गुड लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम का परस्पेक्टिव तो दे गिव मी फ्री वैल्यू फॉर थ्री ईयर एंड आफ्टर थर्ड ईयर सोचो मैं कन्वर्ट हुआ बट नाउ आई एम अ लाइफ टाइम कस्टमर ये भी बात पक्की है मैंने तीन साल वेट किया बट उसके बाद से आएम अ लाइफ टाइम कस्टमर तो ग्रामरली प्रो से मेरे को फायदा ये होता है कि अब मैं कभी भी ईमेल लिख रहा हूँ लिंक पे कुछ लिख रहा हूँ कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो मुझे पता ही नहीं थी मैं कर रहा हूँ और अब ग्रामरली प्रो मिलो फिक्स कर देता है अगर आपको लगता है नहीं ग्रामरली प्रो में इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक इज अराउंड एट हंड्रेड वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं भी करना है यू गेट समथिंग फ्री बट यू स्टार्ट यूजिंग ग्रामर प्लग इन्स इन यूर डे टू डे पोस्ट एंड वॉट यू नीट टू डू इज यू नीट टू स्टार्ट राइटिंग योर थाट्स टेन टू फिफ्टीन मिनट्स डेली अब इससे दो चीज़ें होगी सबसे पहला आपको समझ आएगा कि थाट्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है और जब आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करो कि आपको रियलाइज होगा कि आपकी एक तो थिंकिंग ही अनक्लियर है काफी लोग क्लियरली लिख नहीं पाते बिकॉज वो क्लियरली सोच ही नहीं पाते अगर आप किसी को बोलोगे ना कि तुम जो भी इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो जरा लिख के बताना प्रॉब्लम क्या है वो फ्रीज हो जाएंगे समझ ही नहीं आएगा उनको कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यूजर परसोना क्या है तो व्हाट यू नीड टू डू इज मैं ये नहीं कह रहा कि काम के बारे में लिखना शुरू करो Just see if you can start documenting your thoughts on a tool like Notion. Notion आप लोगों को पता है इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन टूल मैं खुद बहुत प्रमोट करता हूँ Notion को 10 से 15 मिनट डेली यू शुड स्टार्ट राइटिंग स्टेप नंबर टू जैसे जैसे आप ग्रामर चेक करो के जैसे जैसे आप राइटिंग करो के, of course आपकी राइटिंग क्लियर होगी बट द नेक्स्ट स्टेप इज यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स अलाउड तो जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था सी आई बिलोंग टू अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन household, तो हमारे घर में हिंदी में ही बात होती है माई मॉम डैड बेयरली टॉक टू मी इन इंग्लिश बाहर भी वी डोंट टॉक इन इंग्लिश तो क्या है कि डे टू डे प्रैक्टिस नहीं होती काफ़ी घरों में ऑफ कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश और होता क्या है कि वेन यू गो आउट इन नेटवर्किंग इवेंट्स वेन यू गो आउट मोर पीपल इवन से यू आर पिचिंग टू अ क्लाइंट अब्रॉड तो आपका ब्रेन पहले हिंदी में सोचता है फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है फिर वो इंग्लिश आपके मुंह से निकलती है तो इशू क्या हो रहा है कि यू आर नॉट थिंकिंग इन इंग्लिश यू आर थिंकिंग इन हिंदी वेन यू आर थिंकिंग इन हिंदी वहां पर आप अटकते हो क्योंकि अब आपका ब्रेन दो चीजें कर रहा है एट द सेम टाइम पहली बात तो वो बोलना चाह रहा है जो थाट्स आ रहे हैं दूसरा वो ट्रांसलेट भी कर रहा है यहाँ पे आप अटक जाते हो तो इफ यू फील दैट यूर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट या आप ums, आज, या कन्फ्यूज हो जाते हो वाइल टॉकिंग इट इज प्राइमरि बिकॉज आप पहले हिंदी में सोच रहे हो और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आई रियलाइज दैट आई नीड टू प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश एंड वॉट विल दैट डू फॉर मी एनी टाइम दैर आई एम स्पीकिंग आउट लाउड वो एक लेवल जो है ना ट्रांसलेशन का वो मैं इरेज कर रहा हूं तो so थॉट से डायरेक्ट टंग पे जा रहा है अब इसकी प्रैक्टिस मैं क्या करता था आई आईज इन कॉलेज मैं हर रोज रूम में बैठ के मेरे पास दो तीन बुक्स थी थिंक एंड ग्रो रिच दे रीड दीज बुक्स अलाउड और मेरा टारगेट ये होता था कि अगर मैं एक पूरा का पूरा पन्ना पढ़ रहा हूँ तो उस पूरे के पूरे पन्ने में कहीं पर भी आई शुड नॉट स्टैमर और आई शुड नॉट गेट स्टक एट एनी सेंटेंस तो यूजअली क्या होता है आपके स्कूल में ऐसे प्रैक्टिस होती थी कि उठो एक पैराग्राफ पढ़ो राइट और उसमें कुछ बच्चे होते थे जो बिल्कुल शताब्दी की तरह पढ़ते थे वो बच्चे आज बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होंगे बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर्स होंगे और कुछ बच्चे होते जो आर्म्स आज उसकी कोई पैंट खींच रहा है तंग कर रहा है दोस्त दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन वो आर्मजन आज में बेचारा अटक जाएगा उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि इसकी कितनी वैल्यू है लाइफ में आज समझ आता है मुझे अभी हम कोई डिस्कस कर रहे थे कोई uh, टीचर्स डे की पोस्ट के बारे में बता रहा था कौन था वो जो खाने पीने की यस yes, एग्जैक्टली exactly. तो वॉट इज़ योर नेम सो शुभम सेट की एक टीचर्स डे में पोस्ट आया था कि आज रियलाइज होता है कि वो हमें क्यों रिमाइंड करते थे ड्रिंक वाटर हैव योर फूड ऑन टाइम बिकॉज एट दिस पॉइंट इवन आई फो टू ड्रिंक वाटर मैं सही में भूल जाता हूँ कि मुझे पानी पीना है सो so, बी इन फ्रंट ऑफ अ मिररर एंड सी इफ योअर टंग कैन स्पीक इन अ स्मूथ फ्लो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सेकेंड लेवल ऑफ चैलेंज का आता है आपकी राइटिंग क्लियर हो गई आपकी वोकेबलरी ठीक हो गई आपको बोलना भी आ गया बट आपकी टंग को प्रैक्टिस ही नहीं है टू स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली क्योंकि क्या होता है टंग की मसल स्लिप कर जाती है कुछ लोग होते हैं जिनके वर्ड्स दे ईट अप देयर वर्ड्स जैसे इफ आई एम गोइंग टू दिस प्लेस में टू दिस भूल ही गए बोलना या इतना जल्दी बोल दिया कि टू दस बताना ही भूल गए वो क्यों हो रहा है बिकॉज इट्स लाइक अ मसल योर टंग इज अ मसल तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस मसल वेरी वेरी रेगुलरली सो दैट वेन यू आर इन फ्रंट ऑफ समबडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नेवर स्टैमर आप इतना आपका फ्लो स्ट्रांग हो कि सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए बिफोर यू मूव अ I want to tell you about our latest learning website, HowToProm.in where you can get free AI resources, roadmaps and step-by-step -step guides that will teach you everything that you need to know about tools like ChatGPT and Midjourney. So when you practice speech, there are three components to it. First of all, your grammar and vocabulary. Then your pace and smoothness.

तो जब आप एक कॉलेज को फोर इयर्स देते हो इतना पैसा देते हो तो आप एक नॉर्मल कोर्स या एक नॉर्मल हैबिट को पचास साठ दिन नहीं दे सकते तो प्लीज मेक श्योर कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो तो जिन लोगों का ग्रामर और वोकैबरी बहुत वीक है यू शुड स्टार्ट राइटिंग विद्रामर चेक रीडिंग बुक्स अलाउड फिफ्टीन मिनट्स ईच डे फॉर फिफ्टी डेज अगर आपको लगता है कि मेरी पेस और स्मूदनेस खराब है मतलब कि जब मैं सेंटेंस बोलता हूं तो एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में फ्लुएंसी नहीं है स्मूदनेस नहीं है उसके लिए इफ़ यू आर एन कॉलेज आई वुड रेकमेंड यू प्लीज़ एंटर आई दर अ डिबेटिंग सोसाइटी और डोर टू डोर सेलिंग डोर टू डोर सेलिंग क्या होती है जैसे मैं कॉलेज में था तो मैं क्लब्स ज्वाइन करता था और मुझे क्लब्स में ड्यूटी मिलती थी, थी कि जाओ टिकट बेच के आओ जैसे होता है ना हमारा कल्चरल इवेंट हो रहा है जाओ सौ टिकटें बेच के आओ तो सौ टिकटे बेचने के लिए मुझे दस हजार बच्चों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप सौ को बेचते हो तो एक खरीदता है तो दिल्ली में भी एक जगह है पालिका बाजार जहाँ पे सस्ती गेम सस्ती मूवीज ये सब बिकता है तो उनके सेल्समैन आर एमबीएस उनको इतना ऑन रोड वो हो गया एक्सपीरियंस हो गया है कि वो कोई भी सेंटेंस कोई भी पिच डेढ़ दो मिनट तक बोल सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेथ मतलब देयर टंग्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू सेल तो हो क्या रहा है दैट तो वेन यू डू डोर टू डोर और अगर आप स्टेज पर ज्यादा रेगुलरली बोलते हो तो आपका स्टेज फ्लाइट हट जाता है आपका फियर हट जाता है बिकॉज अनदर इन ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी दैट यू आर आस्किंग समथिंग अब आपको यह डर लग रहा है कि सामने वाला मुझे पागल तो नहीं समझेगा या सामने वाला मेरे एक्सेंट या टोनालिटी का मजाक तो नहीं उड़ा रहा तो दो किक इन तो टेक्निकली जो कम्युनिकेशन का पूरा सब्जेक्ट है ना इट इज नॉट वेरी लीनियर देर आर लेवल्स टू इट और अभी तो हम स्टोरी टेलिंग पे आए ही नहीं है स्टोरी टेलिंग पे तो हम तब आएंगे जब आपको बोलना आएगा तो बोलना ही इट सेल्फ इज सच एन इंटरेस्टिंग स्किल। बट आई एम टेलिंग यू इफ यू इन्वेस्ट इन दिस आई नो सो मैनी पीपल हु माइट बी मीडिया ऑकर एट व्हाट दे डू बट सो गुड एट देयर सेलिंग देन दे एंड अप गेटिंग वेरी हाई रिटर्न तो दिस इंटायर स्किल इज नॉट एज रैंडम एज यू थिंक एंड फॉर एक्सेंट एंड टोनैटी आई ऑलवेज रिकमेंड टू लर्न फ्राम गुड स्पीकर एंड यूट्यूब विडियोज तो आपकी जितनी भी फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं या आईकॉनिक लोग हैं यू जस्ट स्कैन देअर स्पीचेस लिसन की कब उनका हाई पिच जाता है कब उनका लो पिच जाता है बिकॉज आई डू दिस वेरी ऑफन मेरे को अगर कभी भी मैं बोर हो रहा होता है वो जस्ट ओपन अप लाइक इंस्पायरिंग बॉलीवुड स्पीचेस इंस्पायरिंग क्रिकेट स्पीचेज इवन दो आई डोंट इवन वॉच स्पोर्ट्स बट आई लव वॉचिंग दो स्पीचेस बिकॉज स्पीचेज विल टीच यू हाउ ड यू इंस्पायर एक्शन

आपने टोनैलिटी ठीक कर ली पेस्ट ठीक कर ली सब कुछ ठीक कर लिया छः सात महीने हो गए कोई रिजल्ट नहीं आया एक दिन आप एक नेटवर्किंग इवेंट में गए और सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन हुई किसी एक इंपॉर्टेंट बंदे के साथ यू नीड टू इंप्रेस जस्ट दैट वन करेक्ट पर्सन और आपके सारे पाप धुल जाएंगे <laughs> एक राइट right कॉन्वर्जेशन बात करो मैंने लाइफ में आज तक जितना भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है मैं कभी नेटवर्किंग नहीं करा लाइफ में मैं बिलीव ही नहीं रखता नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में इट्स अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट आई थिंक नेटवर्किंग का हैज बिन क्रिएटेड बाय नेटवर्किंग इवेंट्स बिकॉज दे सेल यू होप कि तुम आओ तुम्हें पता नहीं कौन मिल जाएगा आई हैव नेवर मेट एनी पर्सन इन अ नेटवर्किंग इवेंट बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग और आई हैव सीन इन क्लब्स पे एंट्री मिलना ही बहुत टफ है तो होता क्या है दैट यू कीप प्रैक्टिसिंग योर कम्युनिकेशन क्या होगा कि डे टू डे लाइफ में आप नॉर्मल लोगों से मिलोगे बट एक दिन आप एक सही आदमी से मिल लोगे एंड बिकॉज यू बिन प्रैक्टिसिंग फॉर सो लॉन्ग बिकॉज यू बिन रीडिंग फॉर सो लॉन्ग बिकॉज यू बिन लर्निंग फॉर सो लॉन्ग वो दस मिनट में सामने वाला पहचान जाएगा कि इस पर्सन में दम है और फिर वहां से इट टेक्स ऑफ सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट वन पर्सन ऑफ माई यूट्यूब लॉड ऑफ पीपल टेल मी दंश यू शुड डू मोर मासी कॉन्टेंट राइट लाइक यू शुड प्रॉब्ली डू सम मार्केटिंग वीडियोज हमने ये कर लिया वो कर लिया रीडिजाइन कर लिया यू विल गेट मोर व्यूज द थिंग इज दट आर ब्रांड इज नाउ ऑप्टिमाइजिंग टू इंप्रेस द टॉप टेन परसेंट ओनली इफ नॉट टॉप टेन परसेंट दैन प्रॉब्ली जस्ट टॉप वन परसेंट यू ऑल्सो नीड टू ऑप्टिमाइज फॉर इम्प्रेसिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल अभी क्या हो रहा है यू आर प्रॉबली ऑप्टिमाइजिंग टू इम्प्रेस अदर डिजाइनर्स और योर रिलेटिव और योर फैमिली फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं है यू शुड प्रॉबली फिगर आउट हाउ डू आई इम्प्रेस

क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अंशा आप हिंदी में यूट्यूब बनाओ इंग्लिश में क्यों बनाते हो द थिंग इज यूट में डूअल ऑडियो आने वाला है यू गैस नो अब दिस नाउ यू कैन अपलोड डिफरेंट लैंग्वेजेस इट्स ऑर्ड पीपुलील दैट माई एक्सेंट मैटर्स अलॉट वॉट यू सेटर्स अलॉट सो यू कैन से समथिंग विच इज एक्सट्रीमली वैल्यूबल इन अ बैड एक्सेंट एंड यू विल स्टिल गेट द सेम रिजल्ट शुड आई साउंड हैवी कॉम्प्लिकेटेड जागन नॉट एट ऑल क्लियर इज ऑलवेज बेटर देन क्लेवर क्लियर इज ऑलवेज बेटर सो इफ यू गो ऑन गूगल एंड जस्ट टाइप द फ्रेज कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स आप सिर्फ पहले पाँच ब्लॉग्स पढ़ लो आपकी नाइन्टी परसेंट मिस्टेक्स यही पे खत्म हो जाएगी बिकॉज इन लोगों ने ऑलरेडी सारा होमवर्क आपके लिए कर दिया है जैसे फॉर एग्जाम्पल दर इज वन कॉमन ग्रामर मिस्टेक जो मैं रेगुलरली देखता हूँ विच इज ऑफ पास नेगेटिव आई डिट न्यू

इफ यू कैन कम्युनिकेट समथिंग इन फाइव वर्ड्स डोंट इवन यूज सेवन एट दिस पॉइंट इवन इफ यू टेक्स मी आई एम काउंटिंग एवरी सिंगल कैरेक्टर मैं तो ट्वीट की तरह मैसेज करता हूँ कि ऐसा हो जैसे कि मुझे पैसे दे रहा हो एक एक मैसेज के बिकॉज दैट शोज हाउ क्लियर यू आर एज अ थिंकर तो वॉट वुड बी योर कॉल टू एक्शन फ्रॉम मॉड्यूल वन यू नीड टू सेट अ डेली टाइम स्लॉट फॉर राइटिंग योर ओन था एंड रीडिंग आउट अलाउड एंड स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ ऑन कामन ग्रामेटिकल एरर्स ये वीडियोज़ बहुत पावरफुल होती है ऑन कामन एरर्स and give yourself at least 15 days before you judge your progress you will find all the relevant resources and the link to download the pdf in description if you're here for the first time make sure you click on subscribe and hit the bell icon so that you never miss an update let me know in the comment section if there's something specific you want me to cover in the next video we make content on design ai and technology to help you upskill for free i hope that you're taking care of your mind and body this is your dost ansh Mehra, signing out if you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing, and storytelling.